और इसमें थोड़ी लगा लेती हूँ एलोवेरा, शायद ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये देख सकते हैं पूरा इतने में पूरा चिपक पड़ा है ऐसे करके, पूरी परात बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, वो मुझे ध्यान रहा नहीं, मैंने एकदम से डालने लगी मसाला तो पूरा ही चिपक पड़ी, वो मैंने परात ही फेंक दी, वो सीन देखने लायक था पूरी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमलता जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। आज है मदर्स डे जिसे पूरा देश मना रहा है, और मुझे नहीं लगता कि माँ के लिए कोई खास एक दिन बना है, माँ के लिए हर दिन है। क्योंकि हम कोई भी हो, बच्चा हो या कोई भी बड़ा, चाहे बुढ़े से बुढ़ा भी हो, कहूँ उसको अगर हल्की सी भी चोट लग जाए, हल्का सा भी अगर कहीं से खरोंच भी आ जाए, सबसे पहले माँ का ही नाम उसके जबान पर आता है। और माँ दुनिया में सबसे बड़ी, माता पिता कहते हैं तो सबसे बड़ा ही उनका दर्जा है, तो उनके लिए कोई एक दिन खास होना ये संभव नहीं, उनके लिए हर दिन खास है, मेरा तो यही मानना है। लेकिन हाँ, सब मना रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी आजकल न्यू जनरेशन में चल रहे हैं, तो उन्होंने भी सुबह सुबह विश किया और बोला मम्मी जी आपको क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे बेटा कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, आप लोग मेरा कहना मानो, वही मेरे लिए डेली मदर्स डे है, डेली मतलब वही सबसे अच्छा वो गिफ्ट है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो आज मदर्स डे है तो मैं बच्चे मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं बच्चों के लिए कुछ खास कर रही, क्योंकि मेरे बच्चों की काफ़ी दिन से डिमांड चल रही थी इस चीज़ के लिए, तो मैं किचन में बना रही हूँ कुछ स्पेशल। तो आज मैं ले चलती हूँ अपनी किचन की ओर आपको, और दिखाती हूँ क्या है आज मैं आपके लिए, बच्चों के लिए खास बना रही हूँ, जो हस्बैंड की फरमाइश पर बना है काफ़ी टाइम बाद, वो घर पर भी आज तो बन नहीं पाया, उनको काफ़ी पसंद ये है। तो आप चलिए किचन में और देखिए क्या मैं बना रही हूँ, और आप भी सेलिब्रेट करिए मदर्स डे, हम लोग भी करते हैं। हम लोग तो क्या मतलब बच्चों के लिए है तो बच्चे करते हैं, हम लोगों ने तो कभी मतलब ऐसे कभी कोई खास है, हमारे लिए तो रोज ही था, हम तो विश भी नहीं कर पाते। मम्मी अभी भी नहीं, मैं अभी भी नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुबह से मम्मी से मेरी बात भी नहीं हो पाई आज, ऐसा इत्तेफाक रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने छिल दी है इतनी सारी प्याज, कुछ तो बन रहा है स्पेशल, तो अब क्या बन रहा है ये भी देखते रहिए आगे को। तो ये छिल दी है मैंने प्याज, ये है साथ में गोभी, और ये है तुम्हारा बीन्स, ये देखिए। तो अब इनको करती हूँ मैं कट, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या आज बनाते हैं। बच्चे अभी सब सोए, ये देख सकते हैं मैंने प्याज को चॉप कर लिया है बारीक में, और अब इतना प्याज, इतना प्याज में तो एक शादी नहीं पड़ जाएगी, तो इतना प्याज मैंने आज काट दिया। और ये मैंने गोभी वो कर दी है, अब बीन्स काटती हूँ, बाकी आइटम फिर दिखाते रहूँगी आपको, देखिए। और ये है मेरी न्यूट्रिला, ये देख सकते हैं, ये भी मैंने वो कर दी है। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो आज बन रहे हैं मेरे मोमो, और उसके लिए मैंने कर दी है, ये देखिए मोमो का मज़ा आता है क्या है के साथ, यम्मी यम्मी चटनी। ये देखिए मेरी चटनी भी हो गई है तैयार, ये देखिए ये है चटनी जो मैंने कर दी है तैयार, ये देख सकते हैं ये चटनी हो गई। अब बाकी मैं करती हूँ मसाला तैयार फटाफट से, बाकी सब्जियाँ मेरी सब कट चुकी हैं, अब फटाफट से मैं सब करती हूँ मसाला रेडी, फिर होगी आगे की तैयारी। आज ही पहली बार मोमो बनाने में हो गया मेरे साथ हादसा। अरे हादसा क्या, हाथ जलना है, हादसा ही तो हुआ, फिर हाथ जलना हादसा ही तो हुआ। ये देखिए, क्योंकि ये परात रखी थी मैंने साइड में, गर्म होते गई मैंने झट पकड़ी तो पूरा इसमें चिपक गया, ये देख सकते हैं पूरा काला काला हो गया है, अब कहीं फपोले ना उठे इसमें बस, अब पता नहीं मोमो भी बनते नहीं बनते, ये आज मसाला और रोटी खा के काम चलाते हैं ये लोग। अब हेल्प के लिए फिर आए हैं पति देव, ये हेल्प कर रहे हैं। इसमें थोड़ी लगा लेती हूँ एलोवेरा, शायद ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये देख सकते हैं पूरा इतने में पूरा चिपक पड़ा है ऐसे करके, पूरी परात बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, वो
मुझे ध्यान रहा नहीं, मैंने एकदम से डालने लगी मसाला तो पूरा ही चिपक पड़ी, और मैंने परादी फेंक दी। वो सीन देखने लायक था, पूरी परादी मैंने, वो तो अच्छा मसाला गिरा नहीं, स्लिप पे ही गिरी पराद। तो दोस्तों ये बन गया हमारा मोमो का मसाला, बाकी का फिर मैंने मिला लिया मसाला, हो गया, छोड़ दो। देखिए अब बन गए यम्मी यम्मी मोमो, अब आटा आटा गूंथती हूँ। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ किचन में चाय की तैयारी हम लोगों की हुई, तो मार्केट आ गए मेरे पतिदेव, ये चावल का कट्टा लेके और आटा पिसा के सारा काम ये करके ला गए हैं, ये देख सकते हो। काफ़ी हेल्प इन्होंने मेरी करी आज मसाला बनाने में, तो लेकिन सोचा तो मैंने था कि आज यहाँ फैमिली क्वार्टर में सरप्राइज़ दूंगी सबको, लेकिन ऐसा सरप्राइज़ मुझे मिला कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी अब अकेले कुछ करने की, तो मैं बुलाती हूँ अपने साथ वालों को, तो साथ में मिलके बनाएंगे आज मोमो आंटी को, तो फिर सब मिलके खाएंगे। मेरा सरप्राइज़ सारा आज हो गया, फीका पड़ गया हाथ जलने के उससे, लेकिन यह है कि मतलब बच गया, मतलब बनाने लायक है स्थिति, लेकिन बेलने में ज़रा दिक्कत होगी, तो इसलिए अपनी फ्रेंड को बुलाती हूँ अब मैं, तो बनाते हैं मोमो, फिर करते हैं मदर्स डे एंजॉय। ये बच्चों के मोमो, ये तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारे मोमो बन चुके हैं आज, लेकिन सोचा था मैंने मदर्स डे में सभी को सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन हाथ जलने के उससे सारा सरप्राइज हो गया फेल, तो वही उन्हीं लोगों को बुलाया, तो साथ में मिलके सबने बनाए मोमो। ये देखिए अब उनके लिए मैंने निकाल दिए हैं, दिखाती हूँ मेरे यम्मी यम्मी मोमो, और ये साथ में प्याज, ये देख सकते हैं। लो बेटा देखिए, आओ लो, तो दोस्तों अब हम लोग भी खाते हैं मोमो, टेस्टी टेस्टी, सभी को मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को दे दिए, तो खाते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोगों की हो गई है मोमो पार्टी, बच्चों से पूछते हैं कैसे रहा इनका आज का डे, कैसा रहा बेटा? बढ़िया रहा, कैसे बने थे मोमो? टेस्टी थे, मजा आया, और खाओगे? बनाओगे तो खा लोगे? तो आज के ब्लॉग को अब मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त, मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।